सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे मेले में पहुंचे। इस दौरान दिल्ली गेट पर सरयू घाट दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की और आरती में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धनतेरस महिला सम्मान समारोह में भी पहुंचे, साथ ही उन्होंने महिलाओं को दीप देकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम सूरजकुंड मेला परिसर स्थित प्रथम दिवाली उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मनोहर लाल ने धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड में पहली बार 3 नवंबर से दिवाली मेला आयोजित किया गया। इसी प्रकार एक मेला आज से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन हम सभी के लिए एक और दिवाली होगी। इससे पहले भी हरियाली तीज उत्सव पर राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 महिलाओं को मेरी ओर से एक भाई स्वरूप कोथलियां दी गई थी। वहीं सूरजकुंड के दीपावली उत्सव में पावन धनतेरस पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की झांकी कर रहे कलाकार को तिलक भी लगाया।